क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के इस मिसा बलिदान में हम स्वर्गीय मिस रजनी कुजूर, जो हमारे दफ्तर में कार्य करते हैं, मिस्टर अमरोस एक्का की भगिनी है, उसके लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनके उन्हें अनंत शांति प्रदान करे और दुखित परिवार को ईश्वरीय दिलासा और ढाढ़स दे, ताकि इस विकट घड़ी में भी वे ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ईश्वर के साथ एक रहें। आइए साथ साथ हम इस कोरोना महामारी की जल्द से जल्द समाप्ति हेतु भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस मुसीबत को, इस वायरस को मानव के जीवन से जल्द समाप्त करें, ताकि मानव का जीवन पुनः सामान्य पटरी पर वापस आ पाए। प्रवेश वचन कहता है, प्रभु की वाणी है, मैं अपनी प्रजा का त्राण करता हूँ, किसी भी विपत्ति में वे जब कभी मुझे पुकारेंगे मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा और अनंत काल तक उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आइए हम अपने आप को पापी स्वीकार करें, क्योंकि ना चाहते हुए भी बारंबार हम ईश्वर के खिलाफ जाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं और अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को और जिस किसी के साथ हम रहते हैं, हम बार बार दुख और खेस पहुंचाते हैं। प्रभु जो दयालु है, हमारे पापों को स्वीकार करता है और वह चाहता है कि हम पाप मुक्त होकर के जीवन बिताएं। अतः इसी विश्वास के साथ आइए हम अपने सभी गुनाहों को, पापों को, बुराइयों को प्रभु के हाथों में सौंप दें, प्रभु से क्षमा मांगें, ताकि हम पापों से मुक्त होकर इस पवित्र युक्रिस्त में योग्य रीति से भाग लेने के योग्य बन पाए। हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे प्रभुवर, मैं सर्वशक्तिमान तथा परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन परिवर्तन से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं प्रभु को स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने कर्म से सब सब दूर और सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, न्याय के परिपूर्णता तेरे प्रेम में निहित है और सारे मानव जाति के लिए तेरे नियम आवश्यक हैं। हम तुझसे कृपा की याचना करते हैं कि हम परस्पर प्रेम करें और तेरे नियमों का पालन कर अपने बीच न्याय की भावना का प्रचार करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ
अध्याय 21 वचन संख्याएं 1 से 6 और 10 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है कुछ नीति वचन। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है, वह जिधर चाहता उसे उधर मोड़ लेता है। मनुष्य जो कुछ करता है वह उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु भी हृदय की थाह लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कार पूर्ण आंखें और घमंड से भरा हुआ हृदय, ये पापी मनुष्य के लक्षण है। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती है, जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। दुष्ट को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्यायप्रिय प्रभु दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई काम नहीं देगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता पर चलते हैं। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल क्योंकि इसी से मुझे आनंद मिलता है। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मैं सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करता रहूंगा। हे प्रभु मुझे अपने आज्ञाओं के पथ पर ले चल। जय घोष। अल्लेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 8 पद संख्याएं 19 से 21 तक। मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया,
मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्ट में प्रिय भाई तथा बहनों, आज के पहले पाठ में एक भले और एक बुरे मनुष्य के बीच में बीच का जो अंतर है उसे बतलाया गया है कि एक भले मनुष्य का सोच क्या है और एक बुरे मनुष्य किस प्रकार से सोचता है। वचन में हमने सुना कि एक राजा का हृदय या एक भले मनुष्य का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा के सदृश है। हम जलधारा के बारे में जानते हैं, उसका व्यवहार के बारे में जानते हैं कि वह जिस दिशा में जाता है वह कुछ भी नहीं देखता है, वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वह किसी की भलाई का नहीं सोचता, लेकिन वह बहता ही चला जाता है, वह अपना रास्ता खुद ब खुद बनाता है। तो यदि हमारा हृदय प्रभु के हाथ में है या हम अपना संपूर्ण प्रभु के हाथ में अपना जीवन को देते हैं तो प्रभु स्वयं हमारे जीवन की अगुवाई करता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत एक बुरे मनुष्य का हृदय या ऐसे मनुष्य का हृदय जो प्रभु के हाथ में नहीं है वह स्वार्थ की भावनाओं में जीवन बिताता है, अन्यायी जीवन जीता है, वह दूसरों को दुख और तकलीफ पहुंचाना चाहता है, अर्थात वह ईश्वर के द्वारा उसका हृदय संचालित नहीं किया जाता है। और जो पापी मनुष्य है वह हमेशा छल कपट बुरे विचार के साथ जीवन जीता है, वह हमेशा षड्यंत्र रचता है कि कैसे हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं, दूसरों को ठेस पहुंचाएं, दूसरों को आघात पहुंचाएं। लेकिन एक भला मनुष्य जिसका हृदय प्रभु के हाथ में है वह हमेशा सदाचरण की बातें सोचता है, भलाई की बातें सोचता है, सेवा की बातें सोचता है। आज ये पाठ हमें अपने आप में मनन चिंतन करने के लिए बिंदु छोड़ जाते हैं कि हमारा हृदय किसके हाथ में है, क्या हम ईश्वर के द्वारा संचालित किए जाते हैं या हम सैतानिक शक्तियों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। आज हमें अपने आप में सोचने और विचारने की आवश्यकता है। सुसमाचार की ओर हम जब अपनी निगाहें डालते हैं तो आज का सुसमाचार हमें कुछ विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है कि थके हारे यीशु की माँ और उसके भाई उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनका हाल खबर लेने के लिए आते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। यदि हमारे साथ इस प्रकार की घटना घटी तो हमें किस प्रकार या हम किस प्रकार हमें लगे गया, कैसा हम एहसास अपने जीवन अपने हृदय में करेंगे कि हमारे अपने ही यदि हमें पूछे कौन है मैं उसे नहीं जानता हूं तो हमें कैसा लगेगा, आज हम जरा सोचें। लेकिन प्रभु के इस वचन में बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, बहुत बड़ा सकारात्मक विचार छुपा हुआ है, क्योंकि
प्रभु का हृदय बृहद है और वह बृहद बातों को सोचता है। वह चाहता है कि पूरा विश्व या विश्व बंधुत्व के बारे में प्रभु सोचते हैं, विश्व मानवता के बारे में प्रभु सोचते हैं। और इसी कारण से आज के वचन में प्रभु कहते हैं कि मेरी माता और मेरे भाई वे लोग ही हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं। बहुत बार या हम रोज रोज वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं। ये वचन हमारे हृदय में कितना प्रभावित करते हैं हमारे हृदय को, आज हमें अपने आप में नजर डालने की आवश्यकता है। बहुत बार हम वचन सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, और जो ही हम गिरजाघर से बाहर निकलते हैं हम पुराने स्वभाव में चले जाते हैं, दूसरों के साथ द्वेष, दूसरों के विरुद्ध में सोचने वाली बातों तुरंत हमारे मन और हृदय में पनपने लगता है। अर्थात हम प्रभु के वचन को धैर्यपूर्वक नहीं सुनते हैं, उन्हें हम पालन नहीं करते हैं। आइए आज हम प्रभु से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें। जब प्रभु आज हमें बहुत सारे सकारात्मक संदेश दे रहे हैं, प्रभु भलाई के बातों को आज हमें बता रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन के माध्यम से हमें आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम भी अपने जीवन में प्रभु के वचन को हृदय से ग्रहण करें और उस वचन को हम लोगों के बीच बांटते हुए ईश्वरीय प्रेम, शांति और कृपा पर जीवन बिताने के लिए लोगों को प्रेरित करें और खुद पर खुद जिए। Yeah.
भाई तथा बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप सबों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे शिक्षा के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन युक्तिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाएं, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवे और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे दामाद चारण जो जो और सभी यात्रियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका रजनी को ज्योति सुधीरे, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी उन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके सुदूर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। प्रेम स्वास्थ्य भक्तिपूर्वक पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम प्रतिज्ञा जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे जिसके पर पूरी हो रही हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा करो, शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मिलने जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के मिलने जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के मिलने जो संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने को जो संसार के पाप भर लेते हैं, धन्य है वे और हम प्रत्येक जन जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाथ सब कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Yeah.
प्रभु का कहना है, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूक्रिस्ट का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे, यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों का आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। पवित्र कैथोलिक कलीसिया और आज के पवित्र मिसा बलिदान में चढ़ाए गए सभी मतलबों के लिए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी जमीन में है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से संत।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो। जैसे वाली हे संत मरिया, हे ढोरी माता, हे संत योसेफ, हे संत मदर तेरेसा, हे संत जॉन मेरी भियानी, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारे मृत विश्वासी की आत्माएं, यीशु का पवित्र दिल, क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।